कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी लड़की की शादी है और बैंक वाले पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे पैसा नहीं निकल पा रहा है। पैसे एक साथ दिलाने की मांग की है। इस संबंध में डीएम ने कहा कि आपको 50,000 की राशि एक साथ मिल जाएगी। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के जिला सहकारी बैंक में हुए घोटाले के बाद आम लोगों का पैसा जिला सहकारी बैंक में फंस गया है। इस वजह से आम लोगों को पैसा निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कहाँ से आई हो आप? करेरा से। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस आई हो, क्यों आई हो आप? मैं पैसे के चक्कर में आई हूँ। 1,000 रुपए देते हैं बैंक वाले, 50 चक्कर लगा कर कोई सुनवाई नहीं होती, पैसे नहीं मिलते मुझे। लड़की की शादी है, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे 4 ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, अटैक आ सकता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मेरी 4 बेटियों की शादी अपने सामने कर सकूँ। अच्छा, तो आज आप आई हो कलेक्टर ऑफिस, क्या आश्वासन दिया आपको? क्या बोला कि आपको पैसे दिए जाएंगे 50,000। अच्छा, टोटल पैसे कितने? मेरे 86,000। कितने? 86,000। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।